इसी में आप सबके सलामती हो। हकीकी वारिस टेलीविजन की जानिब से मैं आपका होस्ट एलिया इकबाल। आज हम आपको ऐसे नौजवान से मुलाकात करवाएंगे जिनको ख्वाब आते हैं, लेकिन ये ख्वाब सोते हुए नहीं बल्कि जागते हुए देखते हैं। ये ख्वाब देखने वाला कौन है और इसे क्या ख्वाब आते हैं, आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। तो जी हरून, बताएं ये ख्वाब क्या है और आप कब से देख रहे हैं? ख्वाब तो सर ये है कि मेरा शौक है डॉल्फिन फोर्स में भर्ती होने का। तो एक साल पहले डॉल्फिन फोर्स चर्च में आए थे, जब वो आए थे एक साल पहले परचम सही की, तो मेरा भी शौक है कि मतलब कि मैं भी डॉल्फिन फोर्स में भर्ती होकर के लोगों की खिदमत करूं। तो चर्चिस के जाके आगे जाके तो मैं भी ऐसे परचम सही करूं। तो बस यही ख्वाब आते हैं कि डॉल्फिन फोर्स में मैं भर्ती हूँ, मुझे बहुत बहुत शौक है, यही है बस। जब से आपको ये ख्वाब आ रहे हैं आपकी क्या कैफियत है? जब मैं स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं डॉल्फिन फोर्स के यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ। उससे फिर जब मैं शूज पहनता हूँ अपने स्कूल के, ऐसे लगता है जैसे कि मैं डॉल्फिन फोर्स के शूज बंद कर रहा हूँ। तो उससे बढ़कर ये है कि जब मैं अपनी बाइक पे स्कूल आता जाता हूँ तो ये मुझे यही लगता है जैसे मैं डॉल्फिन में भर्ती हूँ, तो मैं अपनी डॉल्फिन की बाइक ही चला रहा हूँ। मैं चर्च का सिक्योरिटी मेंबर भी हूँ, जब मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ चर्च की सिक्योरिटी का, तो मुझे यही लगता है कि मैं डॉल्फिन फोर्स में मतलब के भर्ती हूँ। तो जब मैं उधर जाके किसी को चेक करता हूँ, किसी की चेकिंग करता हूँ, तो मुझे यही लगता है कि मैं डॉल्फिन भर्ती में हूँ, तो मैं इन लोगों को चेक कर रहा हूँ। डॉल्फिन फोर्स के दोस्तों के मेरे साथ दोस्ती भी है कि उन लोगों को जाकर मैं मिलता हूँ, बाहर रोडों सड़क पे मिलता हूँ, उनके घरों पे जाके मिलता हूँ, उन लोगों के दफ्तर में जाके मिलता हूँ। तो बस यही है कि बस। लेकिन हरून, आपको पता है कि डॉल्फिन फोर्स में भर्ती होने के लिए टफ एजुकेशन की जरूरत है, क्या आप अपने एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं? बस जी हाँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, 9th क्लास में मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो मेरे टीचर भी मुझ पर बहुत फोकस कर रहे हैं, सर वगैरह टीचर वगैरह भी, स्कूल के टीचर और ट्यूशन के टीचर बहुत फोकस कर रहे हैं। तो उससे बढ़कर मैं खुद बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो देखे मेहनत करने से इंसान को रंग लगता है, वैसे तो नहीं लगता जी। जी तो बस यही है कि मैं एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ, बहुत मेहनत से रात दिन मैंने एक की हुई स्टडी के पीछे। तो बस हासिल कर रहा हूँ एजुकेशन, बस दुआओं की जरूरत है। तो आप दुआओं में याद रखें। तो हकीकी वारिस टेलीविजन की टीम से भी दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करो। तो बस यही है कि आपसे भी दुआ है। जी जी जरूर, हकीकी वारिस दबागो है हरून के लिए और ऐसे नौजवान ऐसे नस्ल मजीद बढ़े, मसीह कम्युनिटी और मजीद आगे बढ़े, क्योंकि अभी बहुत सारे बड़े मुआशरे हैं जिनमें मसीही लोग जा सकते हैं, और लेकिन बहुत से मसीही हैं जो पीछे रह जाते हैं, नशाबाजी के नशा की लालत में रह जाते हैं। खुदा करे पाकिस्तान के मसीही बच्चे और बच्चियाँ ऐसे ही जागती हुई आंखों से ख्वाब देखे और ये ख्वाब उनको सोने न दे, और ऐसे ही तालीम हासिल करके पाकिस्तान की कामयाबी के लिए झंडा गाड़े। फिर किसी नए नौजवान के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप देख रहे हैं हकीकी वारिस टेलीविजन, खुदावंद आपको बरकत दे। अपने प्रोग्राम्स की एडवर्टाइजमेंट, रिकॉर्डिंग और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर तशहीर के लिए राब्ता करें, और मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।